हेलो। हेलो। हाँ तो देखना है दोस्तों, अभी मैं सिंगर को अंदर भेज दिया हूँ और सिंगर को मैं बोलूँगा डबिंग लेने के लिए। जैसे जैसे वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर करेंगे करेंगे आपको आपको डबिंग डबिंग लेना, लेना, ठीक ठीक है? है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दो पे मैंने क्लिक किया और दो पर क्लिक करेगा दोस्तों, जब मैं स्टार बटन कीबोर्ड में प्रेस करूँगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। जब भी दोस्तों आपको सिंगर को रिकॉर्डिंग लेना है, चार पे ही रिकॉर्डिंग लेना। मैंने फिर से रोक दिया है, देखिए मैं सिंगर को बोलूंगा, जैसे ही एक दो तीन चार बोलेंगे सिंगर को रिकॉर्डिंग लेना है, आना है, ठीक है? ठीक एक दो तीन चार। मायराउ रोज रहिया निहारीला, अपना अचरा से दुआरा बहारीला। मायराउ रोज हेलो हेलो, रही एक मिनट, जब दोहराना है ना, दो बार है ना गाना, दो बार है तो बीच में फिर अच्छा वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, चार बार इतना वेट छोड़ देना, ठीक है? तो आना है इसका आगे। तो देखिए दोस्तों, इससे आगे मैं थोड़ा सा बीच में म्यूजिक लेने के लिए मैंने जगह छोड़ दिया है। अभी मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। मायराउ रोज रहिया निहारीला, अपना अचरा से दुआरा बहारीला। एक दो तीन चार। मायराउ रोज रहिया निहारीला, अपना अचरा से दुआरा बहारीला। आहारती उतर के पर छै तू मुखड़ा हो गया, ठीक है? अभी मैं अंतरा लेना है तो थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे म्यूजिक बजाने के लिए। बस फिर से मैंने वन टू थ्री फोर करेंगे तो सिंगर अंतरा गाएंगे गाना। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। चौका पुराई लाइनी गंगा जी के पनिया, अरहुल के हार लेके आइली मालिनिया। एक दो तीन चार। चौका पुराई लाइनी गंगा जी के पनिया, अरहुल के हार लेके आइली मालिनिया। इस तरह से दोस्तों आपको डाइविंग लेना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिदम पे कैसे लेना डाइविंग। जैसे ये डबिंग है, इस डबिंग को आपको भेजना कैसे है, मान लीजिए बिना रिदम को है तो इसको भेजना कैसे है? तो भेजने के लिए दोस्तों इसका दो तरीका है। सबसे पहले जो कि यहाँ पे आप जो पेंसिल देख रहे हैं, ड्रॉ लिख करके जो आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना दोस्तों। क्लिक करने के बाद में जब यहाँ पे आप ले जाइएगा तो यहाँ पे एक इस तरह का खींचने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से सिंपल खींच देना है। खींचने के बाद दोस्तों आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑडियो मिक्स डाउन का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसको दोस्तों यहाँ पर डबिंग का नाम लिखना है, तो डबिंग का नाम मैं लिख देता हूँ 130 टेम्पो में था ये गाना, डमी नंदलाल प्रेमी। जो भी सिंगर का नाम हो, सिंगर का नाम लिख देना है आपको यहाँ पर, ठीक है? इतना मैंने लिख दिया। यहाँ पर दोस्तों लोकेशन पूछ रहा है आपको कहाँ रखना है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और अपना चैनल जो है म्यूजिक में जो है इसे सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे वैप का ऑप्शन आ रहा है, आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, MP3 में एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो MP3 में एक्सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप क्वालिटी घटा बढ़ा सकते हैं, आप कितना KPS में रखना चाहते हैं। यहाँ पे दिया होगा दोस्तों, आप 160 KPS में भी रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होने लगेगा। ये जो है दोस्तों हमारा एक्सपोर्ट हो गया है बिल्कुल। अभी बता रहे हैं आपको दोस्तों क्या करना है। अगर मान लीजिए ये जो यहाँ से जो ड्रॉ लिए थे हम लोग और इसे सिलेक्ट किए थे, अगर ये मान लीजिए उल्टा सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा रेड कलर में, उल्टा अगर सिलेक्ट हो जाएगा, अगर इसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा दोस्तों तो ये एक्सपोर्ट नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए, जैसे ही हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये क्या लिखेगा दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए क्या लिख रहा है, इस तरह से लिख कर एक ऑप्शन आएगा आपको, तो उल्टा सिलेक्ट नहीं होगा। और एक उपाय और है दोस्तों आपको एक्सपोर्ट करने का, सबसे आसान तरीका क्या है, मान लीजिए Ctrl+A कीबोर्ड पर प्रेस करना है, उसके बाद में Shift+G प्रेस करना है। ऑटोमेटिक जहाँ से आपका सॉन्ग स्टार्ट होगा, जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ तक ऑटोमेटिक जो है दोस्तों ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फाइल में जाने के बाद में एक्सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको तो मैंने ये बीट पर किस तरह से डबिंग लेना है मैंने बता दिया।
इस तरह से आप सबसे पहले टेम्पो डालना है आपको, जरूरी टेम्पो डालना है, उसका बीट पे इस तरह से ले लेना है। और उसके बाद अभी रिदम पे कैसे लेना है, रिदम पे आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो रिदम पे किस तरह से लेना है दोस्तों रिकॉर्डिंग, ये मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो अगले पार्ट के लिए आप लोग इंतजार करें, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।